दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसमें पहला सवाल है, यूज द सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड आउट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करना है किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए, जिसमें पहला है x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, ये होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो दोस्तों यहां पर हम इसकी वैल्यू रख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 10। अब देखिए a हो गया 4 और b हो गया 10। अब देखिए इसमें वैल्यू रख लेंगे, x स्क्वायर वैसे उतार लेंगे, प्लस a प्लस b यानी प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स एंड प्लस 4 इंटू 10, a और b की जगह आ जाएगा 4 इंटू 10। तो ये वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 14x, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14 एंड 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 एंड दैट विल बी अवर आंसर। दोस्तों अगला मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं, दैट इज x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10। अब इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन हो गया x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10। तो जैसे कि हम जानते हैं x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x एंड प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 x एंड प्लस 8 इंटू माइनस 10। तो इसको x स्क्वायर को वैसे ही उतार लेंगे, 8 माइनस 10 हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 x और 8 इंटू माइनस 10 हो जाएगा माइनस 80। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, बिना मल्टीप्लीकेशन किए हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो गई। दोस्तों हम जानते हैं x प्लस a मल्टीप्लाई बाय x प्लस b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x की जगह पे आ जाएगा 3x, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5, a की जगह पे है 4, b की जगह पे है माइनस 5 इंटू x, x हमारा यहाँ पर है 3x इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5। 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर माइनस 3x और यहां पर हो जाएगा 4 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 20 एंड दैट विल बी आवर आंसर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है y स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई y स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। दोस्तों एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये होता है x प्लस y इंटू x माइनस y। उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन है y स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस y इंटू x माइनस y। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। x यहां पर है y स्क्वायर और y यहां पर है 3 बाई 2, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y टू द पावर 4 और 3 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9/4 एंड दैट विल बी आवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y इंटू x माइनस y। तो ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, x यहां पर है 3 और y यहां पर है 2x। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहां पर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर एंड दैट विल बी आवर आंसर। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।